यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी सरकार को घेरा है ट्वीट के जरिए, मोदी सरकार को घेरा है रणदीप सुरजेवाला ने। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके निशाना साधा है मोदी सरकार पर। जवानों की शहादत पर पीएम मोदी से सवाल किए हैं रणदीप सुरजेवाला ने। कुर्बानियों और शहादतों का सिलसिला आखिरकार कब तक, ये सवाल किया गया है मोदी सरकार से। आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई कब होगी, और रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार को ट्वीट के जरिए ये निशाना साधा है और सवाल पूछा है कि आखिरकार कब तक जवानों की शहादत ऐसे ही होती रहेगी, कुर्बानियों और शहादतों का सिलसिला आखिरकार कब तक। ये सवाल रणदीप सुरजेवाला ने पीएम मोदी से पूछा है। आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई आखिरकार कब होगी, ये सवाल पूछा गया है रणदीप सुरजेवाला की ओर से। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, ट्विटर के जरिए निशाना साधा गया है और ट्वीट की तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इस ट्वीट में देख सकते हैं आप, मोदी जी करके उन्हें सवाल पूछे गए हैं, दो सवाल पूछे गए हैं कि आखिरकार कब आतंकवाद के खिलाफ शिकंजा कसा जाएगा, निर्णायक कार्रवाई कब होगी और शहादतों का सिलसिला आखिरकार कितना लंबा चलेगा। हाउ लॉन्ग शैल दिस सागा ऑफ मार्टिडम कॉन्टिन्यू, यानी कि कब तक ऐसे ही कुर्बानियां हमारे जवान देते रहेंगे, शहादत का जाम हमारे जवान पीते रहेंगे।